ईशान भय हूं अधीरा। दोनों तरफ सेनाएं हैं, एक तरफ राम जी की जय हो और दूसरी तरफ रावण की जय हो, ये गुण चल रही है। और ऐसे में विभीषण जी जो है वो श्री राम की तरफ देखते हैं और उनके मन में बहुत करुणा भाव जागता है। अधिक प्रीति मन भासन प्रेम जागृत हो गया राम भगवान को देख के कि उन्होंने अपने मन का संशय भगवान के सामने रख दिया। और कहते हैं कि दो ही चीजें होती है संशय से, या तो आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो या फिर गीता लिखी जाती है। तो जैसे महाभारत में गीता लिखी गई, ये जो प्रसंग है इसको विभीषण गीता भी कहते हैं, क्योंकि विभीषण जी के संकोच ने स्वामी श्री रामचंद्र जी को ज्ञान का सागर दिया। अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण तय सहित सनेहा, नाथ नरथ नहीं तन बद त्राणा, केहि चिरि केहि विधि चीतहि फिर बलवाना। आपके ना तो पैर में जूते हैं ना आपने कोई कवच पहन रखा है, आप इतने बड़े मायावी रावण को कैसे जीत पाओ। और मैं चाहता हूं आप इस प्रकरण को अपनी जीवन के ऊपर भी लेकर आए। हम लोग भी ऐसा महसूस करते हैं ना, इतनी परेशानियां चल रही है जीवन में और हम क्या करें, हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं होते उन परेशानियों को सहने के, और हम लोग टूट जाते हैं कई बार। अब देखिए स्थिति क्या, एक तरफ माया भी रावण है और दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी के पास जूते हैं ना कवच है। नाथ नरथ नहीं तन बल त्राणा, केहि विधि चीतहु वीर बलवाना, सुनहु सखा कहि कृपा निधाना, जय जय होइ सो सन्दन नाना, जय जय होइ सो। तो श्री रामचंद्र जी जो कहते हैं वहां से आज की भागवत और अगले छह दिन शुरू होते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं विभीषण घबराओ मत, क्योंकि जो जीवन रूपी ये जो युद्ध हम लड़ते जाते हैं उसको जीतने के लिए जो रथ चाहिए वो ये रावण का मायावी रथ नहीं, वो रथ कुछ और ही है। और वो रथ क्या है, वो रथ क्या है जिसके द्वारा श्री रामचंद्र जी इन सब मायाओं और इन सब रथों के होते हुए भी ना होते हुए भी इस युद्ध को जीतते हैं। और हम लोग भी अपने आप में स्टोरी को पाते हैं, जैसे स्वामी जी ने कल कहा था कि राम और रावण कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर, राम तत्व भी है रावण तत्व भी है। तो आप पूछेंगे कि दोनों में से हम कौन है, अगर सत्संग होता रहेगा हम राम तत्व का पोषण करते रहेंगे तो जो बाहर जागृत होगा व्यवहार में आएगा वो भी राम तत्व ही होगा, और अगर सत्संग में नहीं बैठेंगे व्यसनों में बैठेंगे जैसा साथ रहेगा और रावण तत्व का पोषण होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगले छह दिनों को सिर्फ बैठा ना जाए, जो स्वामी जी के मुखारविंद से ये ज्ञान गंगा बहती है उस गंगा का उस अमृत का राम तत्व को जागृत करने के लिए पोषण किया जाए, ताकि जब हम सात दिन बाद जाएं तो हमें बताना ना पड़े कि हम एक सत्संग कुएं में गए थे, लोग हमसे पूछेंगे क्या हो गया भाई तुम्हें, गए थे तो हर बात में गुस्सा हो जाते थे अब मुस्कुराते रहते हो, इससे ज्यादा परेशानी होगी, अभी गुस्सा हो जाते तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं चाहूंगा कि अगले छह दिनों में हम स्वामी जी के ज्ञान के अमृत से अपने राम तत्व को पोषित करें, और जब यहां से वापस जाएं तो थोड़ा सा तो बदलाव हो, और जो स्वामी जी और माता जी के साथ में हमें इस सानिध्य का मौका मिल रहा है हम उस सानिध्य से अपने जीवन परिवर्तन के कुछ बीज अगले छह दिनों में बोलूं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं भी कोशिश करूंगा आप भी कोशिश कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। स्वामी जी आपके चरणों में नमन, और आपका बड़प्पन कि आपने मुझे मौका दिया। हरि ओम। 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 हरि ओम